नमस्कार। आज हम टैक्सोनॉमी में बहुत महत्वपूर्ण कुल कंपोजिटी अर्थात एस्ट्रेसी के पार्ट थर्ड में चर्चा करेंगे, इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की, इसके फ्लोरल फार्मूला की और फ्लोरल डायग्राम। पिछले टर्न में हमने बात करी थी इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की और उसके बाद इसके इन्फ्लोरेसेंस की, क्योंकि इसका इन्फ्लोरेसेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम कैपिटुलम या हेड नाम से जाने जाते हैं। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण हमने चर्चा करी थी इसमें अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स इन कैपिटुलम, अर्थात मुंडक में पुष्पकों की व्यवस्था क्रम को हमने इसमें समझा था। आज हम इसके बाद अगले चर्चा करने जा रहे हैं इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स की, जिसमें हम बात करेंगे इसके फ्लावर्स की, इसके कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, इसके फ्रूट, सीड, पोलिनेशन और वितरण, डिस्पर्सल, प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा उसकी बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम इसके फ्लावर की बात करने जा रहे हैं, और इसके फ्लावर को हम समझ चुके हैं। जब हम पुष्पक्रम को और इसके अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरेट्स को जब समझ चुके हैं, तब ये बात हो चुकी थी कि इसके जो फ्लावर होंगे वो होंगे सेसाइल, अर्थात अवरंत पुष्प होंगे। यहाँ पर सहपत्री या असहपत्री ये हो सकते हैं, इट मे बी, और एक्टिनोमॉर्फिक होंगे ये या ये जाइगोमॉर्फिक होंगे। जैसे हमने स्पष्ट वहां पर किया था कि फ्लावर जो है रेगुलर है या इनरेगुलर है। अगर जो फ्लावर जो है वो लिग्युलेट प्रकार का है, जीविकाकार है, तो जनरली वो होगा जाइगोमॉर्फिक, एक व्यास सममित होगा। और फ्लावर ट्यूबुलर है, नियमित है, तो एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सममित प्रकार का फ्लावर वहां पर होगा। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, दे में भी एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। जब हम इसके एडवांस कैरेक्टर पढ़ेंगे तब वहां भी ये बात आएगी, और जब इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पढ़ेंगे तब भी वहां पर डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर्स में भी बात हम कोट करेंगे। उसके बाद देखते हैं, यूजली ये पेंटामेरस है, अधिकतर पंचतई है, कभी कभी ये चतुर्थई हो सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है, यानी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल। तीन प्रकार के पुष्प हम यहाँ देख रखे हैं, उभयलिंगी अर्थात हर्मेप्रोडाइट हो सकते हैं, या एकलिंगी हो सकते हैं, या बंदी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल कंडीशन में देखा, जनरली जो ट्यूबुलर फ्लावर है और जहां पर दोनों पाए जा रहे हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वहां बाइसेक्सुअल होगा। अगर यूनिसेक्सुअल है तो फिर वो एक प्रकार का होगा, पिस्टिलेट होगा या स्टेबिनेट होगा, वहां हम देखेंगे उसी पुष्प सूत्र पुष्प चित्र में उसको उसी प्रकार से शो करेंगे, और या फिर बंदे प्रकार के पुष्प भी इसके अंदर हो सकते हैं। तो फ्लोरेट जो है तीन प्रकार की कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनको हम फ्लोरल फार्मूला फ्लोरल डायग्राम में लिखेंगे। और जो एक पूरी फॉर्म फैमिली के अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, एक रूपता, वो है एपिगाइलस, अर्थात जायंगोपरिक पुष्प होगा, और ओवरी जो होगी हम कैसे लिखेंगे इसको, इन्फीरियर, अधोवर्ती अंडाशय लिखेंगे। तो फ्लावर में हमने बात करी सेसाइल है, अवरंत है, और एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल और न्यूट्रल फ्लावर हो सकता है, बंदी हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसकी बाह्यदलपुंज अर्थात कैलेक्स की। कैलेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें दिखाई दे रही है, जो इसको एडवांस करेक्टर की तरफ ले जाती है, वो है रिड्यूस्ड हो गए, समानित हो गए, और ये पेपस में रूपांतरित होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पेपस, पेपस के अंदर ये रूपांतरित हो गए हैं, जिनको हम पेपस नाम से जानेंगे उसको बोलेंगे। पेपस क्या है, एक रोम गुच्छ जिसको कहेंगे, जो पैराशूट पद्धति की तरह इसको प्रकीर्णन में डिस्पर्सल में मदद करेगा, और जिसका इतना जो वितरण है इस फैमिली का वो विश्वव्यापी हो जाएगा, बहुत बड़े लेवल पर इसका वितरण होगा पेपस के थ्रू, एक मैकेनिज्म पूरी डेवलप है इसके कैलेक्स के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं इसके दलपुंज अर्थात कोरोला, इनकी संख्या जब हमने कहा है पांच है जनरली, तो यूजली फाइव है, और गेमोपेटल्स अर्थात संयुक्त दली होंगे, और इनका जो शेप है, आकार है, वो दे में भी ट्यूबुलर, लिगुलेट, बाइलेबिएट और इन्फंडी बुलिफॉर्म का, अर्थात ये नलिकाकार हो सकता है, ये जीविकाकार हो सकता है, ये द्विओष्टि हो सकता है, या ये कीपाकार हो सकता है। ये बात भी हम कर चुके हैं जब इसकी हमने बात करी थी पुष्पक की, तब उसमें बात करी थी किस प्रकार से ये होंगे, तीन प्रकार के होंगे। जैसे हमने जब बात करी थी लिग्युलेट, इसका मतलब ये जीविकाकार है होंगे ये, तब हमने वहां बात करी थी ट्यूबुलर है अर्थात नियमित है, रेगुलर है, वहां बात करी थी। और इनका जो विन्यास है, दल विन्यास, एस्टिवेशन, कोरोला वो है वाल्वेट अर्थात कोर स्पर्शी प्रकार का। कुछ में हमने देखा था, जब हमने एक देखा था ये इसका इंपॉर्टेंट किस प्रकार से पुष्पकों की व्यवस्था क्रम है, अरेंजमेंट है, उसमें जो हमने
पांचवा प्रकार देखा था कोटुला टाइप, तब हमने वहां देखा था कि जो उसके दो प्रकार के पुष्पक है, रश्मि पुष्पक और बेल पुष्पक। तो जो रे फ्लोरेट है जो कि स्त्री केसरी अर्थात पिस्टिलेट है उसमें दलपुंज अनुपस्थित है। तो वहां हम इस बात को देखते हैं कि कुछ फ्लावर्स के अंदर क्या होगा, कोरोला एब्सेंट इन पिस्टिलेट फ्लावरेट ऑफ कोटुला एंड जेंथियम। कोटुला और जेंथियम के जो पिस्टिलेट फ्लावर्स है, स्त्री केसरी जो फ्लावर है, उनके अंदर दलपुंज अनुपस्थित होगा, वहां पर नहीं पाया जाएगा। तो ये हमने बात करी कि एलेक्सो कोरोला की इसके जो आवश्यक ये चक्र हैं, ये जो इनके सहायक चक्र हैं एसेसरी ओरल्स हैं उनकी बात। अब हम इसके आवश्यक अंग की एसेंशियल ऑर्गन्स की रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, गायनोशियम और उनके। सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम बाइसेक्सुअल है तो होगा, और यूनिसेक्सुअल है तो जो स्टेमिनेट फ्लावर है उनके अंदर ही पुंकेसर पाया जाएगा, जो मादा पुष्प है उनके अंदर ही नहीं पाया जाएगा। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं स्टेमेंस की, नंबर ऑफ स्टेमेंस 5, एपिपेटलस अर्थात दलपुंजी पुंकेसर होंगे, और इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है वह सिंजेनेसियस कंडीशन होगी, जिसको हम कहेंगे युक्त कोशी पुंकेसर। इनके लिए हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, युक्त कोशी पुंकेसर, युक्त कोशी अवस्था सिंजेनेसियस। सिंजेनेसिस का मतलब क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका मतलब है कि जो पुंकेसरों के जो पराग कोश है वो संयुक्त हो जाएंगे और पुतंतु स्वतंत्र होंगे इनके अंदर। एंथर्स आर यूनाइटेड बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री, ये कहलाएंगे सिंजेनेसिस। जो परीक्षा में एक नंबर का प्रश्न, आधे नंबर का प्रश्न, छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें पूछा सिंजेनेसिस को परिभाषित, युक्त कोशी क्या है परिभाषा दीजिए, तो इसकी परिभाषा में इसमें लिखेंगे कि इनके पुंकेसरों के पराकोष परस्पर संयुक्त होते हैं परंतु पुतंतु स्वतंत्र होते हैं। एंथर्स आर यूनाइटेड बट फिलामेंट्स रिमेन फ्री, फिलामेंट्स इनके फ्री होंगे। ये अवस्था देखने को मिलेगी हमके हमको एस्ट्रेसी कंपोजिटी फैमिली के अंदर सिंजेनेसिस कंडीशन। तब जब हम इसका पुष्प चित्र लिखेंगे, बनाएंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर हम पुतंतुओं को फ्री रखेंगे लेकिन पराग कोष को युक्त रखेंगे ध्यान रखेंगे। और जब हम सूत्र लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट बंद करेंगे स्टेमेंस को, क्योंकि हम यहाँ सिंजेनेसिस कंडीशन दिखा रहे हैं। और पराग कोष इस प्रकार से होंगे, पराग कोष होंगे द्विकोष्ठी, जिसको हम कहेंगे डाइथिकस, और अंतर्मुखी अवस्था इंट्रोस कंडीशंस वहां पर पाई जाएगी। तो यहां पर जो हमने कंडीशन देखी, पराकोष द्विकोष्ठी अंतर्मुखी और आधार लग्न पुंकेसर इनके अंदर होंगे। तो ये एंड्रोशियम है, नंबर ऑफ स्टेमेंस 5 है, एपिपेटलस कंडीशन है, और सिंजेनेसिस अर्थात युक्त कोशी अवस्था इसके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं इसमें पाया जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम, जायांग। जायांग के फैमिली में पूरे में कैसा है, बाइकार्पली द्विअंडपी, सिनकार्पस अर्थात युक्तांडपी है, और जो बीजांडन्यास का प्रकार है वो है आधारीय बीजांडन्यास, जो कि इसकी करैक्टरिस्टिक फीचर है, आधारीय बीजांडन्यास का पाया जाना, बेसल प्लेसेंटेशन आधारीय बीजांडन्यास के अंदर है, और यूनिलोकुलर एक कोष्ठी है, यूनिलोकुलर विद अ सिंगल बेसल एनाट्रोपस ओव्यूल, इनके अंदर बीजांड एक अध्यावरणी इनके अंदर कंडीशन में होगा, और ओवरी इंफीरियर अधोवर्ती अंडाशय होंगे, जो फ्लावर को हमने लिखा है एपिगाइनस युक्त कोश, एपिगाइनस फ्लावर को हमने लिखा है ऊपरी जायांगी, इसलिए अंडाशय को इसमें बताएंगे ओवरी इन्फीरियर अधोवर्ती अंडाशय। और एक जो इसमें पूरी विशेषता होगी, एक नेक्ट्रीफाइड डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ओवरी, इनके अंदर ये होगा कि इनमें अधोवर्ती अंडाशय के शीर्ष पर वर्तिका के आधार पर कि चारों ओर एक मोटी वृत्ताकार मकरंद चक्रिका पाई जाएगी इनके अंदर। तो ए नेक्ट्रीफाइड डिस्क इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द, ये हमने देखा इनके फ्लोरल करेक्टर्स के अंदर इनके गायनोशियम अर्थात जायांग। अब बात करने जा रहे हैं इनके फ्लोरल करेक्टर्स में, उसके बाद इसका फल किस प्रकार का होगा, टाइप ऑफ फ्रूट्स। तो पूरी फैमिली के अंदर जो विशेषता है इसके अंदर फल पाया जाएगा सिप्सेला प्रकार। सिप्सेला क्या है, ये एकेनियल, एकेनियल सिप्सेला, सरल शुष्क एकेनियल सिप्सेला प्रकार का, सिप्सेला प्रकार का फल होगा, ये भी किसकी डायग्नोस्टिक फीचर है। उसके बाद जो बीज है, बीज अभ्रूण पोषी अर्थात नॉन एंडोस्पर्मिक बीज होंगे। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं परागण कैसा हो, पोलिनेशन कैसा हो। तो इनका जो परागण है यूजली एंटोमोफोलस अर्थात ये कीट परागण इनके अंदर होगा, क्योंकि आकर्षक जो है इनके अंदर पुष्प है, इसलिए कीट परागण इनके अंदर पाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इसके वितरण किस प्रकार से, क्योंकि ये वितरण में विश्वव्यापी है, बहुत बड़ा फ्लावरिंग प्लांट की फैमिली है ये,
तो इसमें यूजली विंड डिस्पर्सल होगा, वायु परागण होगा, और चूंकि जो पेपस है जो इनको उड़ा के ले जाते हैं, इसलिए पैराशूट मैकेनिज्म में पेपस द्वारा विंड डिस्पर्सल बहुत आसानी से इनमें हो जाएगा, होगा। तो यूजली विंड डिस्पर्स बाई पेपस, और समटाइम्स कभी कभी किस प्रकार से परागण हो सकता है, जंतुओं द्वारा भी हो सकता है, समटाइम्स डिस्पर्सल बाई एनिमल्स थ्रू द हुक्ड ब्रिस्टल्स एज इन बाइडेंस एंड हुक्ड स्पाइंस इन जेंथिया। बाइडेंस के अंदर हुक्ड ब्रिस्टल के द्वारा और हुक्ड मुड़े हुए स्पाइंस कांटों के द्वारा जेंथियम में होगा, जो जानवरों के, पक्षियों के, पशुओं के चिपक जाएंगे, उनके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ये प्रकीर्णित होंगे, फैलेंगे। इस प्रकार से इनमें जो प्रकीर्णन होगा, डिस्पर्सल होगा, वो बहुत दूर दूर तक हो जाएगा। तो कई सारे एग्जाम्पल है, टेरेक्सम के अंदर अलग प्रकार का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, बाइडेंस में अलग प्रकार सोखता है, जेंथियम में अलग प्रकार सोखता है। सामान्यतः जो परागण होगा, प्रकीर्णन होगा सॉरी, वो पैराशूट मैकेनिज्म के द्वारा होगा, पेपस के द्वारा इनका वितरण होगा। अब हम देखने जा रहे हैं फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम फैमिली कंपोजिटी। जिस प्रकार का इसका फ्लोरेट होगा, पुष्पक होगा, उसी प्रकार का इसका पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र लिखा और बनाया जाएगा। अलग अलग प्रकार के में अलग अलग प्रकार का पुष्प सूत्र होगा। जैसे हम बात करें, मान लो नलिकाकार द्विलिंगी पुष्पक की, नलिकाकार एकलिंगी पुष्पक की, जीविकाकार द्विलिंगी पुष्पक की, जीविकाकार बंदी पुष्पक की, जीविकाकार स्त्री पुष्पक की, इस प्रकार की जो भी व्यवस्था हमें दिखाई देगी, उसी प्रकार से हम उसका फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम ड्रा करेंगे। ये सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्यूबुलर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के, अर्थात नलिकाकार द्विलिंगी पुष्पक। इसमें हम देख रहे हैं ब्रैक्टीएट, देन एक्टिनोमॉर्फिक, जो कि नलिकाकार है तो ये रेगुलर फ्लावर में गिनती होगी इसकी, और इसको हम एक्टिनोमॉर्फिक शो करेंगे, और फिर इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर का सिंबल बनाएंगे। उसके बाद चूंकि बाइदल पेपस में रूपांतरित हो गए रोमगुच्छ में, तो हम के लिखेंगे के जीरो या के पेपस। उसके बाद नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, और ये गेमोपेटल्स है वो शो करेंगे, और नंबर ऑफ स्टेमेंस 5 है, या ब्रैकेट बंद करेंगे, क्योंकि सिंजेनेसिस अर्थात युक्त कोशी पुंकेसर हैं, जिनके कि हम देख रहे हैं उदंतु के पराग कोश जो है वो जुड़ गए हैं, फिलामेंट जो है वो फ्री है यहाँ पर, और एपिपेटलस कंडीशन है जो हम देख रहे हैं सीयूरिक के ऊपर, लग्न अवस्था वहां पर देख रहे हैं, और गायनोशम में जो है द्विअंडपीय, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और ओवरी इन्फीरियर बताएंगे पूरी फैमिली में, क्योंकि फ्लावर को हमने एपिगाइनस अर्थात ऊपरी जायन की बताया था, इसलिए इसमें ओवरी इन्फीरियर होगी। तो ये हमने देखा ट्यूबुलर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा हम देखने जा रहे हैं कंडीशन जीविकाकार द्विलिंगी पुष्पक अर्थात लिगुलेट एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। इसमें देखें ब्रैक्टीएट, और चिन्ह बनाएगा जाइगोमॉर्फिक का, एक व्यास सम्मित, क्योंकि ये अनियमित है इसलिए, और फिर बाइसेक्सुअल का है तो बाइसेक्सुअल का सिंबल, और जो कैलिक्स हैं वो पेपस में रिड्यूस हो गए, सम्मानित हो गए, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए पेपस, तो वहाँ शो लिखेंगे जीरो या पेपस। और पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स 5, गेमोपेटलस कंडीशन है, स्टेमेंस में अपन देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेमेंस 5, और ये सिनजेनेसिस कंडीशन है, उसके ऊपर एपिपेटलस और नंबर ऑफ कार्पस 2, सिनकार्पस और ओवरी इन्फीरियर कंडीशन, लिगुलेट बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऐसी दशा होगी। फिर हम देख रहे हैं जो फ्लोरल फार्मूला जीविकाकार बंदी पुष्प का, अर्थात लिगुलेट न्यूट्रल फ्लावर्स का, जो कि स्टाइल फ्लावर न्यूट्रल फ्लावर, उसमें क्या होगा, उसमें हम ब्रैकेट का चिन्ह बनाया बाद जाइगोमॉर्फिक है, और उसके अंदर जीरो लिखेंगे और कोई चिन्ह वहां पर नहीं शो करेंगे। बाइदल पेपर्स में रूपांतरित हो गए, इसमें भी दलों की संख्या पेटल्स 5 है, गेमोपेटल्स हैं, और दोनों को स्टेमेंस और गायनोशियम कार्पस दोनों को हम 0-0 शो करेंगे दिखाएंगे, क्योंकि दोनों यहाँ पर नहीं है, इसलिए बंदी भूम के सर है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं जीविकाकार स्त्री केसरी पुष्पक अर्थात लिगुलेट पिस्टिलेट फ्लोरेट। लिगुलेट है इसलिए कैसा होगा, अनियमित है, जाइगोमॉर्फिक हो, एक व्यास प्रैक्टीएट जाइगोमॉर्फिक, और इसमें चूंकि हमने कहा स्त्री केसरी पुष्पक, तो केवल हम चिन्ह बनाएंगे पिस्टिलेट फ्लावर का, और फिर बाह्य दोनों की संख्या में हम लिखेंगे पेपस या जीरो, और सेपस में पेटल्स की संख्या 5, गेमोपेटलस, और चूंकि स्त्री केसरी है तो ए जीरो, एंड्रोशम नहीं होगा, गायनोशम जो है बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और ओवरी इन्फीरियर यहाँ पर। तो ये हमने देखा विभिन्न प्रकार की व्यवस्था। अगर हमें एग्जाम में इस प्रकार की कंडीशन दी जाए कि इस प्रकार के पुष्प
सूत्र या पुष्प चित्र दीजिए, जैसे लिख दिया नलिकाकार द्विलिंगी पुष्पक, तो हम वहां उसका पुष्प सूत्र पुष्प चित्र बना सकते हैं, लिख सकते हैं। पुष्प सूत्र दे दिया जाए तो उस अनुसार हम पुष्प चित्र उसका बना सकते हैं। ये इस प्रकार की विविध व्यवस्थाएं पाई जाएगी कंपोजिटिव फैमिली में स्पेसिफिक। अब हम देखते हैं फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम एक सिंपल फ्लावर का मैं फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो सामान्यतः व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है, जिसमें हम देखें पहले सबसे पहले रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में हम देखें बाहेदल जो है रूपांतरित हो गया किसके अंदर, पेपस के अंदर, तो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद पेटल्स देखते हैं, जो हमें पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद चूंकि रे फ्लोरेट है और वो लिग्युलेट है, उसके अंदर केवल पिस्टिलेट है, तो हम वहां देखते हैं उसके अंदर नजर नहीं आएंगे हमें स्टेमेंस, और केवल जायांग नजर आएगा उसके अंदर। तो जायांग में देखें बेसल प्रेजेंटेशन, यूनिलोकुलर, वो कंडीशन में नजर आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं उसका डिस्क फ्लोरेट। डिस्क फ्लोरेट में वो चीज तो कॉमन है कि जो है भाईदल जो है पेपस में रूपांतरित हो गया है, जो हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद दलों में पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स 5 है, जेमोपेटल्स है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद स्टेमेंस 5 है और एपिपेटल्स है, दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं, कोरोला और एंड्रोशियम आपस में जुड़े हुए। और इनमें हम क्या देख रहे हैं, परागकोष जो है एंथर्स के एंथर जो वो परागकोष है वो आपस में जुड़ गए हैं, लेकिन फिलामेंट जो है वो फ्री है। इस कंडीशन ये कंडीशन हमें दिखाई दे रही है सिंथेसिस कंडीशन। और बीच में दिखाई दे रहा हमें डायनोशियम जो कि बेसल प्लेसेंट आधार एपिजेंडल है, इसके अंदर दोनों दिखाई दे रहा है। डिस्क प्लेट में ये जो चित्र हम देख रहे हैं इसमें रे फ्लोरेट तो है पिस्टिलेट, लिगुलेट एंड पिस्टिलेट, जीविका का आ रही है और ये केवल मादा पुष्पक को निरूपित कर रही है, इसमें एंड्रोजन नहीं है। और जो डिस्क फ्लोरेट है वो उभयलिंगी है, ट्यूबुलर है और उभयलिंगी है, मतलब इसके अंदर दोनों एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो ये हमने देखा पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र जो वेरी करेगा इसके जनरा वाइज स्पीशीज में अलग अलग प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो आज जो हमने कंडीशन देखी इसके रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स, जिसके अंदर हमने पुष्प, बाहेदल, दल, पुंकेसर, जायांग है ना, और इसके बाद इसके किस प्रकार का इसका फल है, इसका प्रकीर्णन, बीज वितरण किस प्रकार से हुआ, और उसके बाद हमने विविध प्रकार की व्यवस्था देखी फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की। धन्यवाद।